गगन बोले बानी सिया कौने दई बहताई गगन बोले बानी सिया कौने दई बहताई। नहीं स्वामी नहीं, मैं आपसे सच कह रही हूँ स्वामी, मेरी बात पे यकीन करो ना स्वामी। अरे क्यों पागल बन रही है खामा खाम, मुझे दर्शन दिए अपन पे। अरे कोई जार जकूटा में वैसे ही छुप के बैठा हो सिया, आवाज मार दी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं स्वामी, मेरे जो बाल कई धूप से नहीं हुए, 80 बरस की मेरी काया है, मैं पागल नहीं बन सकती हूँ। तो मेरी उम्र क्या है, बच्चा कैसे हो जाएगा? सुन सुनाओ स्वामी। दसों बुढ़ापो मेरी गई है जवानी, सुन रही है ना? वो तो बात सही है। और तू कहती है जल में से पानी हुई, सुन मेरी बात। सुनाओ। ए दसों बुढ़ापो मेरी गई है जवानी, वही घाट पे भरे भरे पानी, सुन रही है ना? हाँ। आई बीती गई जिंदगानी, सिया कौने दई बहकाई गगन बोले पानी, सिया कौने दई बहकाई। अरे मेरी पूरी जिंदगानी व्यतीत हो गई उसी घाट से पानी लाए लाए के। अरे मेरे चांद के बार उड़ गए, और मोए तो कहूं देवता मिलो ही ना है। आज ही पानी लेवे गई सब से देवता मिलेगा। तो कैसा, मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे झूठ तो नहीं बोल रही, मैं हूँ सच कह रहा हूँ। कुछ झार झूकटा में छुप के बैठो, वो बड़े बड़े पुंगा है, और कहूने वैसे ही आवाज मार रही होगी तो विश्वास कैसे हो गया। और सुन सुनाओ। चौथे पर परवाए रही पलाना, सुन रही है ना? हाँ। चौथे पन परवाए रही पलाना, और सुन सुनाओ। 80 बरस किनके हुए ललना, आए मान जा करहानी, सिया कौने दई बहकाई गगन बोले पानी, सिया कौने दई बहकाई। सुना मैंने क्या कहा? सुन रही हूँ स्वामी। मान जाए इस बात को किसी से मत कहना, नहीं लोग बाग हमारी हंसी करेंगे। कब्बा बुढ़ापे में ललना जम रहे हैं, शर्म ना आ रही। मैं तो स्वामी नहीं मानूंगी, मेरे तो अटल विश्वास है। अच्छा हाँ। सुन, हंस जाएंगे जे नर और नारी, देख रही है? हाँ। हंस जाएंगे जे नर और नारी, सिया मत करवा में खुआरी, आई मान जा मेरानी, सिया कौने दई बहकाई गगन बोले पानी, सिया कौने दई बहकाई। नहीं स्वामी, मैं सही कह रही हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम चल के देख लो, सब नर नारियों को ले चलो। और सुन, चलूंगा तो मैं साथ। हाँ। लेकिन अगर तेरा देव वहाँ नहीं मिला तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं खुद अपने प्राणों को त्यागन कर दूंगी अगर मुझे दर्शन न दिए तो स्वामी। अच्छा तो चल, मैं चलता हूँ। चलो। गगन सिया कछु नगर के गए मचेला घाट, काही तेरा देवता सुचा हतुबा की बात। स्वामी अभी हाल तो यही थे, मुझे तो जलवे से आवाज आई थी, मैं क्या करूं स्वामी दर्शन दो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ है वो तेरा देवता? इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ, तुझे मार के इसी चम्मिल में फेंक दूंगा। हे अलख,
हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मेरी ख्वारी क्यों करवा रहे हो, कहाँ हो? आई ना तह मुझे दरअसल दे जा, स्वामी मेरी ख्वारी क्यों करवा रहे हो? मार डालूंगा, सोच ले, नहीं बुला ले अपने देवता को, कहाँ है? आई ना तह मुझे दरअसल दे जा, सिया लगाए रही लंबी तेरे हाँ स्वामी, कहो स्वामी जल्दी दर्शन दो ना स्वामी, ना तह मुझे दरअसल दे जा, सिया लगाए रही लंबी तेरे कैसी तुम आज मेरी प्रति जा ले रहे हो? अरे दीना दुखी गली के दाता स्वामी, आज स्वामी का हो बोलो ना, अरे दीना दुखी गली के दाता कितना में लगाए लई स्वामी तेरा, साथ में कितने नर नारी हमें जीने नहीं देंगे, आज मेरी हंसी हो गई स्वामी अगर दर्शन ना दिए तो, अरे हंसे जी नारायो नारी मेरा करेंगे अपमान, ए भैया हाँ देखो नहीं अब कैसी रोई रही है, अस्सी वर्ष तक ये बच्चा जने वो चाह रही है, अब रोत फिर रही है, पहले तो ये कह रही वहाँ चला जान चला वो देखो कहने मिले ला रही है, अब गगन हुए शरम ना आ रही, इतने नगर के निवास लोगों को लेके आएगी, देख लो स्वामी ये कैसे कैसे वचन कह रहे हैं खोटे नहीं स्वामी, आई ना नहीं तारा सना जाएगी स्वामी, अरे ना तो नहीं तारा सना देगी चढ़ा में ताजे हुई अपने प्राण, ना तब वही दरअसल दे जा सिया लगाए रही लंबी तीरा, ऐसी चरणावती में अपने प्राणों का त्यागन करती हूँ स्वामी, लो मैं आ रही हूँ, अरे हाथ है ऊपर तू कर दे हाँ स्वामी शरण में ले लो मुझे, अरे हाथ है ऊपर तू कर दे सिया ने खाई है बचार, लो बाबू देव मैं आ रही हूँ, तुमने हमारा दुख नहीं हरा, हे बाबू देव तुम दुखियों के दुख को टालने वाले हो, मैं भी आपकी शरण में आ रहा हूँ क्योंकि आज हमारी हंसी बहुत हो, ठहर जाओ नहीं नहीं, गगन सिया से बाबू कहीं ए सुनसी आधर ध्यान, पुत्र त्यारे होइगो सुमान पड़ेगो नाम, हिसिया जब मैं वरदान देता हूँ तेरे पुत्र अवश्य होगा, अच्छा? और उसका नाम मान रख दे, हाँ नामकरण भी कर दो, रहो इधर क्या हुआ भैया, बाबू के वरदान से मान लयो अब तार, आनंद अति घर घर भयो सो कभी गए मंगल चार,
जय हो प्रभु। हाय हाय, कैसे आनंद है? कैसो लालाओ बेटा, कैसे हो गुरुजी? यीशु घर सो। अच्छा आमिर भैया, यीशु घर सो बालक जायो री जा बूढ़ी सी सी जाने। यीशु घर सो बालक जायो री जा बूढ़ी सी सी आने। सो घर सो लाला जायो री, सो घर सो बालक जायो री जा बूढ़ी सी सी जाने। जासी बुढ़िया ने, जासी आसी बुढ़िया ने, जा बूढ़ी सी सियानी, जासी आसी बुढ़िया ने, सुगर सो बालक जायो री जा बूढ़ी सी सियानी। गजब है गो, तुम चल रही है? हाँ हाँ चलो ना। कितनी अचंभे की बात है, देखो 80-80 वर्ष के बच्चा है रे। चलो चलो। ए नर नारी जुर मिल के आई, सीहत हस हस बतराई। बेना गजब होगा तो बुढ़िया तने। हाँ ए सीहत हस हस बतराई। और सुनो जन बूढ़ो बंसो चोर हरी जहसी आसी बुढ़िया ने, सो घर सो बालक जायो री जहसी आसी बुढ़िया ने, सो घर सो बालक जायो री जहसी आसी बुढ़िया ने, जहसी आसी बुढ़िया ने, जहसी आसी बुढ़िया ने, सो घर सो लाला जायो री जहसी आसी बुढ़िया ने, घर सो बालक जायो री जासी आसी बुढ़िया ने। अरे बहना देखो कितना सुंदर छोना है। कम बहनरिया ना लग जाए ए सने। हाँ जीव तो बढ़िया चंबे की बात है, बूढ़ो बड़ा बंस चलेगा जाए तो। हाँ सही कह रही है ना। हाँ लेकिन धीरे धीरे का वो बड़ा मान तब है गयो माता रही हरसाई, रुदा हीरा से कुमरा को सोटी को लयो चढ़ाई। धीरे 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 जैसे दोज के लिए चंद्रमा हुआ तो भैया ऐसे ही मान कुमार और जवान अवस्था में हो गए। इधर रुदहेरा से अपने पुत्र का और टीको चढ़ा लो। और क्या हुआ? सोदी के भेजी लगुन और मैं खुशी वही भारी है, पलकी लगाई देर नहीं ब्याह की करी तैयारी है। धीरे धीरे भैया और लगुन आई गई और ब्याह को और चाल चलन चल रहो है। कैसे कैसे ए रिश्ते के जुड़ गए नर नारी। जय हो प्रभु जय हो। ए रिश्ते के जुड़ गए नर नारी, कलयुग में प्रगट कलाधारी। बहना तुम चल रही है वहां को मान कुमार की साथ दिया, चलो बरना फरना तो बना ले। हाँ चल रही है बहना। हाँ बूढ़ी को पुत्र खूब बीत गयो भैया। नहीं तन मनते गा रहे आई के बरना मान बनायो, अरे के बरना मान बनायो, जुरी मिल के सखियां रही सजाई।
सोना है जाए। हाँ अरे के हल्दी लेपन करो शरीर, हल्दी लेपन करो शरीर, अरे मंगाई लो चरणावती को नीर, अरे बहना चरणावती को नीर मंगाई लो। हाँ आए मंगा लो भाई चरणावती को नीर और क्या। हाँ अरे के जलते उबती नवायो जुरी मिली के सखिया रही सजाई के बरना मान बनायो, जुरी मिली के सखिया रही सजाई। हरी बहना चंपा तू इधर आए, मैं बगल में बैठ लगे बतरा लेंगे। हाँ उन्हें गाय लेंगे कल तू थोड़ी बहुत गीत बता दी इधर आ। और क्या करो क्या किया है। ओए रचाई दई हाथन में मेहंदी, रचाई दई हाथन में मेहंदी, और एक धर दई कोरी और मेहंदी, के धर दई कोरी और मेहंदी, अरे एक धर दई कोरी और मेहंदी। फिर क्या कर रही है। हाँ अरे हाथ में ककन बनायो जुरी मिल के सखिया रही सजाई, सजाई। बहना हाँ अब तो मान कुमार बन था बन गो, अब जल्दी से इनकी विदा कर दे। ठीक है लाओ काय पे बैठा लेना। आए है भैया वहां तो सिंह खड़े दूंकारी देख रो, क्योंकि वो तो बरदानी बाबू महाराज का था। क्या होता है तो सब सखिया चम्मो कर रही क्या। ए बहना ये सिंह आएगो खाए नहीं जाए कहूँ। सही कह रही बहना तुम दूर रह जाओ, वरना बैठो सिंह पे नारी मंगल गाते हैं, पलकी लगाई धीरा नहीं रुद हीरा गई बरात। वहां से विदाई है गई और उदहेरा में जाके भैया और बरात पहुंच गई। अब भैया धीरे धीरे अंदर ले गए और भामरे कैसे पड़ रहे हैं सुनो। हे श्री मान गुरुजी कैसे कह रहे हो। हाँ कैसे पढ़ रहे भैया बताओ। हे श्री मान कुमार के संग धोनी की पड़ रही वो मरिया, श्रीमान कुमार के संग धोनी की पड़ रही वो मरिया, के श्रीमान कुमार के संग, के श्रीमान कुमार के संग धोनी की पड़ रही वो मरिया, श्रीमान कुमार के संग धोनी की पड़ रही वो मरिया। कैसे राजे जम्मी और सुनो सुनाओ। सातव मरिया मान सिंह की धोनी के संग डारी है, तब मरिया मान सिंह की धानी के संग डारी है। और क्या जय जयकार बोल रहे देवा। ओए भैया देवता आ गए। ये जय जयकार बोल रहे देवा मंगा लगा रही नर नर पढ़ई लोटा धरिया, श्रीमान कुमार के संग धानी की पर रही भामरिया, श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही मरिया, श्रीमान कुमार के संग। श्रीमान आहा सर्वानंद भैया के श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही हरे हरे धानी की पड़ रही श्रीमान।
तो जैसा हम तुम आज गाय रहे का है वैसे ही आनंद है गुरु जी वहाँ बड़े सर्व आनंद भगवान के साथ। और वैसे हूँ 80 बरस की सिया के भव चौथे बने बाबा गगन सोर ही आनंद मेला जुल रहो के केसो ऐसे मोड़ो फार रहे होंगे जैसे हम तुम फार रहे थे। हाँ श्रीमान कुमार के संग दानी की पड़ रही बामरिया श्रीमान कुमार के संग दानी की पड़ रही बामरिया श्रीमान कुमार के संग दानी की पड़ रही बामरिया आज श्रोता इस प्रकार से भामरे डर गई। अरे भामर पर्वे के बाद और बरात विदा कर दई आगे नरेश बेटा का भाव फिर सुनो क्या हुआ गुरुजी। इधर में जैसे ही विदाई है क्या आई तो 10 दिन की दशहरी रख दई और वहाँ जैसे रहने लगे आराम से। लेकिन जो बाबू महाराज देव महाराज ने कहा हे सिया पुत्र तो मैं दे रहा हूँ लेकिन पर्दा मत लगाना। लेकिन उस बात को भूल गई कि मेरा पुत्र सुंदर है अगर किसी नजर लगाए दी। नहीं बात ऐसी होती है मैं तो बात बताऊं कि जब शादी है के दूल्हा आवे तो कुछ रंग रूप अदर अलग ही है जाता है। अच्छा? तो उसकी मैया ने जा शर्म से पर्दा डाल दो कि को मेरे लाला नजर दे देगी। हाँ तो इतनी मुँह तो लेकिन पर्दा में से कहा बाल है वो उसको सुना। फिर क्या होता है भैया जैसे ही पर्दा लगाया तो महाराज ने देखा 2-4 दिन देखा सोचने लगे मेरी बात को भूल गयी क्या होता है श्रोताओं। सुंदर लख के लाल को माता कियो विचार पर्दा दे लगाई कैसो देख है नहीं नर नार। पर्दा लगा दे श्रोताओ ठाट देखो अलख ने मान कोड़ी करी दयो माता रही गलाई के मेरे कुमर को का भयो। क्या भगवान ये क्या हुआ आज कोड़ी कर दिया है अब तो मैया सिया रोने लगी हे प्रभु तेरा सुनो तुम तपदारी हे प्रभु देव भक्तन के दुख हरने वाले क्या कर दिया हे प्रभु तेरा सुनो तुम तपदारी तब प्रगति सदा कलाधारी प्रभु तुमने ये क्या किया अलख निरंजन तुमने ही इस और अवस्था में पुत्र दिया तुमने ही कोड़ी कर दिया। अरे सिया महलाने ओ सिया महलन महराई रोई अलख बाबू आई जा दौड़ के के नाथ के दुखियों के दुख को टालने वाले स्वामी तुम कहाँ हो आज ये मेरे कुमार को क्या हो गया। अरे सिया महलन महराई रोई अलख बाबू आई जा और सुनो प्रभु आहे बाल कते ने दे दयो नाथ क्यों ये पुत्र का जन्म दिया ऐसा दुख क्यों दर्शाते हो स्वामी क्यों बालक तूने दे दियो काया ते कोड़ी कर दयो हाय स्वामी काया से कोड़ी कर दयो। और सुनो प्रभु वो का गयो वे प्रभु वो कह गयो वे मचेला पे सोई अलग बाबू आ जा दौड़ के सियो महलनी में रही रोई अलग बाबू आ जा दौड़ के सिया महलनी महराई रो
का बाबू आई जा दौड़ी की। और प्रभु अब तुम कहां देरी कर रहे हो, सिंह सवारी करके जल्दी से आइए ना। क्या मचेला घाट पर सो गया, क्या किसी ने तुझको बिसरा लिया, तू कहां है ये दुखियों के दाता, झपट के आ जा। आहे न कसे रस जाए लियो साथ में, हे प्रभु होने कसे रस जाए लियो साथ में, प्यारे दो कर जोरू हाथ में, प्यारे दो कर जोरू हाथ में। और सुनो स्वामी, वो का गयो वैसिया जूते खोई अलग बाबू आई जा तोड़ी की। शिया महलन में रही रोई अलग बाबू आई जा तोड़ी की। शिया महलन में रही रोई अलग बाबू आई जा तोड़ी की। प्रभु ये तुम कैसी नीति है तुम्हारी, अब हम क्या करें। और मैं दो कचाई गावे बारी, हा प्रभु और मैं दो कचाई गावे बारी, घर की हितारी को बैठी भैया न्यारी। अरे भगवान ये क्या हो गया, इधर में क्या होता है श्रोताओ, इधर तो दुख था ही करजोरी में, लेकिन जहाँ की धानी थी रुते ही राखी, वहाँ मालूम पड़ा हमारा जमाई हमारा दामाद थोड़ी हो गया। अब इसके साथ में सभी मिलजुल के बात कर लो, हम उनके साथों विदा नहीं करेंगे। परवारी जन कहा कह रहे घर की कारी ये कमेटी न्यारी। और क्या कहने लगे हैं, अरे भैया इसमें सलाह दो कैसे। कोड़ी के सगा जाए सो कमारी, जान हमारी बात बिगड़ जाएगी, इनके साथ में करेंगे तो विदा। बीराला सुन लो जरा मेरी बात, दूजे सजन द्वारा बोला भाई ले हो, अरे कर दिया धानी है साथ। भैया ऐसे शब्द सुने हैं, सब खुतम के मन में आ गई। और कैसे कहा कह रहे, क्या बोले, एक खुतम कबीला के मन भाई, देव कुमार कहू विदा कराई। घबराओ ना, या कन्या को जीवन कैसे कटेगा, कोड़ी के घर हम देते हैं हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ऐसा कर लो भैया इसको, हाँ दूसरे के साथ विदा कर दो। औरौली के सजन बुलाई, घोड़ी एक संग ले आई, इस प्रकार से बोरौली के सजन लेबुआ और पिता सुजान ने और उधेरा में बुला लिए। वो आ जाती है, इधर में सखियों ने कहा अरे बहन धानी तेरे सजन लेबुआ द्वारे पर बैठे हैं, जल्दी से श्रृंगार कर ले। और क्या बोली है भैया, क्या बोली, अरे सजन लेबुआ, अरे बहना
हाय बड़ी मिट मिट के गाय रही राम मीरे कैसे गाए सजन लिबुआ हाँ सजन लिबुआ धानी आई गए द्वार पे क्या कहा मेरे पिताजी ने दूसरे सजन हाँ बहन तू क्या कह रही है क्यों तू बुरी बात कर ली नहीं मैं नहीं जा सकती और सुनो बहना आई महाबारा बहनी धर ले तू तो चमकनी जी महाबारा बहनी धर ले तू तो चमकनी जी ए जी कोई पायल हम क्या कह रही तेरी बुद्धि खराब तो नहीं मैं दूसरे सजन के साथ विदा हो जाऊं कभी नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं बेना ऐसा मत करो बात बिगड़ जाएगी हमारी चली जाओ अरे तेरी बात में आग लगे मुझे क्या करना तेरी बात से चलो बेना पिताजी को बुलाते हैं बुला ले बेशक मैं नहीं जाऊंगी हाँ बेटी धानी ऐसा है क्या बात है क्यों नहीं तैयार हो रही हो पिताजी हाँ। बात छोड़ जाओ ये बात कहना भी दुश्वार पड़ जाएगा सुनो बेटी मेरी प्राण ने प्यारी कुमारी ओ बिटिया मेरी प्राण ने प्यारी कुमारी चली जाइयो साजन के द्वारे नहीं पिताजी नहीं हरगिज न जाऊं मैं मर क्यों ना जाऊं लेकिन मैं नहीं जाऊंगी बिटिया मेरी बात खराब हो जाएगी सोच ले बेशक कुछ भी हो जाओ पिताजी ए लाडली बिटिया मान जा मेरी प्राण ने प्यारी कुमारी चली जाइयो साजन के द्वारे और देख बिटिया हाँ कोड़ी लग के मान जमाई तो मैं क्या करूं मेरा तो कोई अच्छा कुटिया सुन कोड़ी है गो बातें तू कहा करेगी मेरी नाक कट जाएगी बिटिया मान जा पिताजी मैं पतिव्रता स्त्री हूँ मैं हरगिज न जाऊंगी अरे वो बिटिया कोई बात ना हमारे जात में ऐसा है जातो को दर्द हो रही कोड़ी लख के मान जमाई ए तुझे लए घर सजन बुलाई और बिटिया सुन हाँ मेरी बदनामी लकी कुमारी चली जाइयो साजन के द्वारे मेरी प्राण प्यारी कुमारी चली जाइयो साजन के द्वारे मेरी प्राण प्यारी कुमारी चली जाइयो साजन के द्वारे बिटिया हाँ मेरी बात पे ध्यान रख ले और बिटिया अब कम इलाज बचा ले मने मत करे नहीं पिताजी मैं हरगिज न जाऊंगी मैं जाती हूँ तालों में बंद हो जाऊंगी लेकिन मैं जाऊंगी नहीं लो
मैं अब इसमें से निकलूंगी नहीं, लेकिन अन्न पानी सबको तज दूंगी चाहे कितने जना भी हो जाए। देख हाँ पिताजी, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। और क्या हुआ भैया? ए तुल गई सत पे दुलारी, सत की तराज झोंका खाई रही। ओहो तुल गई सत में झोलारी, सत की तराज झोंका खा रही। सात दिना धानी को और बंदों में हो जाते हैं और अंग कमजोर पड़ गया। और क्या होता है? आए सात दिन भैया बंद में, भैया आए सात दिन भैया बंद में, चेहरा तो पड़ी गो भगवान, ये क्या हुआ? अरे के दरअसल दे जा बाबू, अरे के दरअसल दे जा बाबू, मैं तो बंदन में होती उदास। हो जाते लेकिन धानी नहीं निकलती है, हेला लगाने लगी। और क्या हुआ है? लम्बो तेरा जब धानी को ओ करजोनी में पहुंचो जाए। हलो सिंह आसन श्री बाबू को मंदिर कांपी कांपी रह जा। हम हलो जाकी पटिया हले गई और बाबू जगो भरे रखा। नंगे पाह मन चलो मंदिर से गौशाला की सीध लगाए। तेरी बहुअर रुदय रामे धानी गैया सी बिलताई। हम तुम दोनों चले वहां पर बाकी लावे बंद छोड़ाए। इतने बचन सुने बाबू के बाबा कहन लगो दुखियाए। आंखे अंधो पा मन लगड़ो वो पे गहल चली ही ना जाए। आकर देंगो चित तोय देंगो तो ले चलू सिंह चढ़ाए।
मैं नहीं जाऊं वो रो दही राख ना ही कर दही ढोक बजाए। शंख बजाए तो तब बाबू ने शेर से रखो लो बुलाए। आए के लपकड़ लई रो दहेरा की अब पन देहर लगाई ना। अलख जोत जाके चमकत जावे चंबिल तुरत पार हो जाओ। सेते की घटिया पे जाए कैसे लोहरा दूं को जाओ। कान बन कमंगलू के पड़ गई बाने बरदू दौरे जगाए। आज भैया इस प्रकार से बाबा बाबू महाराज और हेला सुन के वहाँ से चले हैं तो नाहार सजाया और वहाँ से बाबा गगन के पास पहुँचे। कहने लगी हम तुम्हारी बहू है और बंदल में छुड़ाने के लिए जा रहे, हमारे साथ दे दो, हमारे साथ चलो। बाबा गगन ने कहा आंखों में चित नहीं पांव बल नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। आ लौट के श्रोताओं आया है शंख पचमुखी बजाया और चरणावती पे आकर के सेते की घटिया जो बताते उसे पार करके और कहाँ आता है श्रोताओं जहाँ सेते ही घटिया पे परसों से मंगलू बर्दू इंतजार कर रहे थे। तो एकदम से बाघ पकड़ ली मंगलू बर्दू ने और कहने लगे प्रभो आज हमारे घर चलिए। तो बाबा क्या बोले के सुनो मंगलू बर्दू मैं कब आऊंगा। हे आदे बहादों की दो हे सुनो भैया हम बताए रहे। हाँ बता दो। आदे बहादों की दौज मेरो मेला भक्त लगा देना। आदि बहादों की दौज वो दौज मेरो मेला भक्त लगा देना। आदे बहादों की दौज वो दौज तुम मेला भक्त लगा देना। कहने लगे हैं कि आधे भादो दोज के लिए लगा देना जब ही मैं आऊंगा। अब तो मैं धानी छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। इधर मैं श्रोताओं और धानी डकराने लगी है और क्या होता है कैसे भैया। सुने धानी के वचन कैसे गुरु जी। अरे सुने धानी के वचन आए गए करजोनी बारे। आहा दीनों संग बजा ये टूट गए बजुर के सारे। ऐ दीनों संग बजा ये टूट गए बजुर के सारे। सुना है ना। अरे धनी क्यों रो रही हो। मैं आ तो गया। एक बार बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे बोलिए बाबू महाराज की जय। अरे अलखन जरूप दिखायो वे औरो धानी धरते ने कर सी सचरण में डारो वे। जय हो प्रभु। ओ धानी धरते ने कर सी सचरण में डारो वे। और क्या बोली। बाहर आ जाती है पैर पकड़ ली प्रभो बड़ी देर में खबर ली। और क्या बोली। अरे ले चलो मोइना हर बारे। आहा ए दिनों शंख बजा ये टूट गए बाजुर के तारे। ए दिनों शंख बजा ये टूट गए बाजुर के तारे। लगी है प्रभो मुझे ले चलिए यहाँ से। आहा लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाएगी महाराज। कहने लगी कहानी कैसे जाओगी। सभी कुटुंब कबीला को बुला लो नहीं तो वो ये कहेंगे भाग के चली गई ताला तोड़ कर। सभी के सामने जाऊंगी। तैयार हो जा तू। क्या किया लखने। आले अलखन जरूप दिखायो वे। आहा
पायल कन बचन सुनायो कर देव कुमार की विदायल कने बचन सुनायो सभी को बुला करके कहने लगी मैं धानी को लेने आया हूँ। सभी ने चरण स्पर्श की हो। अब सुन, कोई ये मत कहना मैं लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ आदर के साथ इसे भेज दो। आए खुशी भैरो दहेरा बारे ओह दीनो शंका बजाई टूट गए बच्चों के तारे आज श्रोता इस प्रकार से बाबू महाराज लेकर के और क्या होता है भैया आगे सुनिए। पर कम्मा दयाल की रहे चरणन शीश नवाय नेत्र खोल देखन लगे सो धानी पड़ी लकाय। आज भैया इधर में बाबू महाराज जो थूम पर लखों की भीड़ हुआ करती है श्रोतावाद भादो दोज के लिए वहाँ आए हैं परकम्मा दी है। आहा सभी ग्वारियन देखे भैया धानी तो भैया भाज कहाँ आएगी और जाके सासुलिया से कही उसकी सिया थे अरे मैया तुम आई बहू हमने आज थान पर देखी है वो आ गई। अरे तुम क्यों झूठ बोल रहे मेरी बहू। हाँ आज श्रोता उसी आकर कहने लगे तूने मेरी नाक कटवा दिया क्या किया। तो धानी क्या बोली अरे मोए झूठोई अलग लगाई रही। सुन रही है ना भाग के आई है। तू कैसे यहाँ आई। आए मोए झूठोई अलग लगाई रही मुहे बाबू लायो सनल वाय के आज तो तब कहने लगी है मुझे बाबू महाराज लेवा के लाए हैं भागी का गले मंदिर आयो मंदिर आयो आए कालिया लखन है मोई जगायो लगी है। सो जब तक बाबा गगन आ गए नहीं सीए मुझे भी बाबू महाराज ने जगाया बाबू महाराज भी लाए हैं लेकिन अब तो कहने लगी अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आय हाय श्रोताओं अब फिर बाबू महाराज के लिए हेला लगाने लगी और क्या बोली है ए हेला सुन लो तब धानी को बाबू जगो भरेरा काई पनी पनी को सब को साथी बिगड़ी में लको करे सहाय पंखा डूबे को पिलवान को अब को नाम ले भैया मारो हेड़ा चरणा बतने तीनों धरे पारे पे जाई भैया। आज धानी कहने लगी है मैं अब यहाँ से जाऊंगी नहीं और तीनों के तीनों बाबा गगन सिया धानी चरावती में मरने के लिए उद्दत हो गए। सुने बाबू के बैन जैसे ही वो मरने के लिए उद्दत हुए बाबू महाराज ने और लेकर के उठा करके पार पर रख दिए। ये क्या पागल हो गई हो क्यों मरना चाह रही हो मैं आ तो गया। सुने बाबू के बैन अरे परो उरचेन अरे खुशी भाई भारी हे पलकी करी न देर हरे बनिया पाने हारी आज श्रोता कहने लगे हैं हे प्रभु हमारे पुत्र को सुवर्ण की काया बना दो तो तुम ऐसा करो घड़ा लेकर के चरणावती से पानी लाइए पानी लेकर के छिड़काव कर दो सुवर्णी काया हो जाएगी। ऐसा ही किया श्रोताओं।
और जाकर के छिड़काव किया मान तो कुमार कुमार आज सुवर्ण का हो गया। और श्रोताओ ये कथा हमारी यही संपन्न होती है। जो कुछ गलती उसे बच्चा समझ के क्षमा करेंगे। नरेश सिंह और कीरत सिंह जी तुमको लीला रही सुनाई, कमल कैसे केरे माध्यम से ये तो लीला संपन्न है जाए। काय की कह रही है? हाँ जी, मैं जी कह रही हूँ के आज आज डानो सराद सराद कोनो कम हो तुम्हारे भी कक्का खत्म है गए। तुम सपने में दो दिखाई कक्का ने। हाँ। तुझे मुंह बंद कर ले काय कक्का में हो मरो। हाँ। और सपनों तो दो मुए दो वो खे तू डरो हुए ज्योति वे बाद में कर लियो। मेरी बात सुन ले। एक तू बाद में सुनाइये पहले मेरी सुने। हाँ, खेत में खचू नहीं होगा तो तू मुरा खा गई। अरे भाई बात करेंगे एक दिन आपको काम हो का हो जा रहो कछू ना हो जा रहो। एक बात बता। हाँ? के तू कौन के घरे डोले आई सवेरी सवेरे ले। मैं काऊ के घरे ना गई डोले में। काय की कह रही है वैसे? यो कह रही हूँ मोए सपनो दो तुम्हारे कक्का ने। ध्यान तो सुनियो। अरे सुन ध्यान तो बाहर रह गई तो समझ रही हो तुम। ओहो ने का कछु कहगी के वैसे ही मोए सपनो दे दयो रात हो रात सुन बलम तुम्हारे कसाने। मोए सपनो दे दयो रात हो रात सुन बलम तुम्हारे कसाने सुन बलम तुम्हारे कसाने सुन बलम तुम्हारे कसाने। मोए सपनो डबल ब्रेड सी ने कहते आवे डबल ब्रेड सी हम तेज आए आ तो तुम्हारे बोल बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छे हां आ तो मैं पहनी हूं तो लग रही हूं और जोते में जा रहा हूं बाद में जाइए पहले मेरी बात सुन ले। ओ देख जो जी करी कर रही है सवेरे सवेरे तू। अरे ना सुन ले ना भाई बात सुन ले। भगवान आज तेने कितने पूछा कर लो हूं ए ने भाई बात सुन ले। हां सुना दे भाई राम के आई तब जाइए। सपने में मोते बतरायो सुनाए कही दे ऐसे ऐसे बतराओ तुम्हारा कक्का कक्का। हाँ। सपने में मोते बतरायो चोना तराद मेरो डरवायो कोनो ते सराद डरवे की कह रहा हूँ। हाँ तुम्हारी अकल में कब आवेगी बुद्धि में वो कह रहा है कक्का कि मैं सराद डरवा दे हूँ भूखे फिर रहा हूँ। वैसे एक बात बता पहले। हाँ। सवेरे ही सवेरे तू आमने सामने ठाड़ी है गई है जी बता कि मैं बुद्ध में का खराबी है बुद्ध में। और फिर तो मैं बुद्ध में कहते कि बुद्धि में कहते हैं बुद्धि। हाँ ने कल सुधार सुधार ले भाई। हाँ सुखाई ली मैंने तो सुखाई ना लाई सुधार ले। सपने में मोते बतरायो जो न सराद मेरा डरवायो। सुन बहु हमारी बात हो बात सुने बलम तुम्हारे कक्का
लल्लू की अम्मा ओए ने कहते आ जाइए लगती ने आ गई सपने में बुआ हो हमारो काका ओ मोज नो लगती है के ने कहू ना आयो हमारो काका ओ तो ये पूरी खाइवे को बक्का मो बिल्कुल ना पूरी खाइवे को बक्का तो भाई तो आ फुटो जा तो पक्का तू जाने केन के घरे डोले आई है सवेरे वो हमारे परोसम भूरी कुतिया ना डोनते ऐसे समझ ले के बा में तो मुंह को परे को दी किनारो अरे काय को तुम्हारी मत बोरा नहीं है ओ देख ले तू चढ़ी बैठ रही है बात ना सुनने में सुना भैया का रास लीला सुना रही है तू मोए सपनों दे दयो कह रहे ऐसे मरो मराओ जिंदा काका हो तब तब आने में खजू नहीं करो हाँ। खूब कुल्ली डंडा खेन तो अरे तब तो तुम बाहर है छोटे कुल्ली डंडा खेन तो हाँ। और गेंद बल्ला खेन तो मैंने पे बल्ला से अच्छी अच्छी गेंद की धज्जी उड़ाए दें जी गेंद की बात चल रही है तो तब तो जिंदे है तुम्हारे काका तो भाई की तो कह रहा हूँ जिंदे ने खजू ना करो तो अब मरो काका का तुरैया उखा रहे हो भाई तो भाई भूखा अगर डुलाओगे तो तुम पे सब कुछ कर सकते हैं जो तेरे काका खोर करेंगे बालम सपड़ा नाए फिरेंगे तब करते फिरे गो जाते हो जाते सुने बलम तुम्हारे काका ने मोए सपनों दे दयो राते हो राते सुन बलम तुम्हारे बात सुनेगी हाँ सुना सुन ले तुम ही सुना ये सोई हाँ। अरे चुप की रे नारी बताए रहे हो तो चुप की रे नारी बताए रहे हो तो ए घंटो पाके पापा ओते कह दे मैं घंटो पाकी अम्मा सुना मैं यो कह रही हूँ चुपकी कही आते है कि चुप कही जाते हैं पढ़ी लिखी समाज में ऐसा ही आउट हो गए आजकल ले कहीं ना आउट हो चुपकी रहे नारी बताए रहे हो तो चुपकी रहे नारी बताए रहे हो तो और सुन रही है हाँ सुन रही हूँ तुझे ज्यादा ज्यादा कतरनी सी हाँ। कतरनी सी जीव है छलावती है कतरनी सी तेरी दाई है मारे तेरी है ना का मैं ही सुने पहले सुनाओ अनि मैं आतम पे नहीं आए देख ले उसमें बात हो तो मैं करियो हाँ मत ना जीव चलावे जाता अच्छा। सुन लिये सुन नहीं हो मत ना जीव चलावे ज्यादा बिना बात अटकाए रही ब्यादा कब के मर गए मेरे दादा जो गोरी डर पाए रही है मोई चुपकी रे नारी बताए रहे हो तो काए ना सुनने का जन्नो काए कह रही है मैं जे कह रही हूँ कि अम्मा दादा मर गए ठीक है अम्मा दादा तो मर गए ये तो मर गए अपन तो मरे मरान को ना सराडा तो ना जमात ही है तो तू मरे ने की बात करे का मरे ने जमाए तो जितो बात कहूं तो ठीक लग रही है मेरी समझ में और तू कह रही है पुजारी है जमाए तो वो तो 3.5 किलो इकट्ठी है का संकाई है सुनो हम तो यही समझेंगे कि हमारे ससुर ने खाई लाई हाँ। ससुर ने खाई ली यही तू जाए जी दांत ने काट देते ना तू कैसी बुरी लग रही है मेरे शरीर अच्छा,
तो ज्यादा बात मत करेगा ना। उसी देख लो भाई मोरे सारे ये वो हंस रही है। अच्छा है नातन ने कहा देती है तो पता हो ना पागल। हाँ वो पुजारी है तो ना मंदिर बाबू। हाँ दिन आए गए आज 15 कनागा तने की। अच्छा और काउ ना घास भाई। हाँ जा रही ना तो तुम नौता करे आओ। यही बैठो हो वो रेसियानो भो। हाँ 2.5 किलो पे पानी फेंक देगो। 2.5 किलो पे अरे काय को तुम्हारी मत बोरानी है। ओ भाई अब भाई बच्चन ने देखो जाई में शराद हुए और जो हतु है सो जाई में जब हम हो जावे तो सिगम हो जावे। अरे तुम मेरी बात मानो काय को तुम्हारे फिर जात कर तो फिरोगे जालंग वालंग डोल तो फिरोगे तब तो का फायदा। अब ने मेरी सुन ले। हाँ सुनाओ काय को नारी करे तू लफड़ा। सुन नहीं है। सुन नहीं हूँ। काय को नारी करे तू लफड़ा घर में ना आटे को सपड़ा बच्चा डोल रहे बिन कपड़ा। देखी बच्चा भूखे रहे रोए चुप की रहे नारी बताए रहे हो तो। हाँ मैं सुनाइये। सुना एक था भगवान ने मुझे गरीबी दे दी है। हाँ और बेटे तेरी फैक्ट्री ऐसी खुली है सो तू 1.5 साल में धुआं बना के तैयार कर लेते बताओ कौन कौन है। अरे चुप रह जाओ। तेरी सो न्यू मालूम पत्ती है किस सिगलरी का भाई घटे है या न्यू मालूम पत्ती का बेटी जो को बगल में जुगुन चल लो। हाँ जुगुन चल रहा है। तुझे बंदैया के से बच्चा एक तो इतने चपका लेगी। हाँ और एक बगल में डोलेगा एक पीछे तो 2300 ऐसे लगाती रेलगाड़ी सी बना लेती। अच्छा काय को तुम हमें बच्चन कैसे कोस रहे हैं हैं कोसा काजी की को जामे का है। क्यों देख। हां क्या शेर। हां हां शेर नहीं होती है। हां तो वो बच्चा जन्मते है तो पहलो तो शेर। हां और दूसरा वो होता है चीतो। हां और फिर पीछे पीछे होते हैं तो कोई भगर रहा कुत्ती घर रहा बिन के फ्रिज हिलो हिसाब बैठो सुना बिन को। हाँ चलो कहो मेरे गवाओ ये कुछ हुआ ठीक है। हाँ और तेरे ये फैक्ट्री बना के तैयार कर रही है तो बिल्कुल ले तेईस हो लक्षण लक्षण बिल्कुल तो सिखाए दो लक्षण ना तो हाओ लक्षणदार तो कोने का शर्म नहीं आवे। सुन नहीं है। हाँ देख ले कैसे मटकी रही है। हाँ मटकम भी नहीं। हाँ तो कोने का शर्म नहीं आवे बैठी बैठी मौज उड़ावे मर के कक्का खीर न खावे। अब राम करे गोरी सोई होए अब राम करे गोरी सोई होए चुपकी रहे नारी बताए रहे तो चुपकी रहे नारी बताए रहे तो चुपकी रहे नारी बताए रहो तो। आए गई तेरी समझ में। आए गई मेरी समझ में तो हूँ तो हर लेके जा रहा हूँ तू फिर रोटी करे खा। अरे जिन बात ने खचू ना धरो मैं न्यों कह रही हूँ बिने को नौता करे आओ कोनो को पुजारी को पंडित जी को। हाँ पुजारी नहीं मानेगी। मैं ना मान नहीं बच जाई सो बच जाई भैया से कहता हूँ भैया सो न्यों ना कहता भैया भैया सो बारी से गर बारी से गर बच जाई नाक लटके आई थी नाक देन देखो रहा तुम ना मान नहीं। ना मान नहीं तो ला हो जातो है। हाँ तू अपे जा काम धंधे कल मैं चौका पौका लगा लूंगी तब तक। हाँ पीर पीर बनवे धर दूंगी है। हाँ और सोई तो पुजारी को नौता करे आई हो। कैसे खाए का मन चल रहा है लेकिन पानी रख रहा होगा। पानी मैं कहने पानी रख रहा हूँ सही में। देख ले देख सही में ला तो जा रहा हूँ। हाँ ऐसे पुजारी को जाए के नौता करूँ के पूरी बस 2-3 खावे मरे वे को होए ला चलो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे दुर्गे मैया हे भोले बाबा दिना 15 बीत गए कनागत के वे आज तक ना आयो और जितेरो प्रेम पुजारी बैठो मंदिर में ही घंटरिया हलाए रोए। भोले बाबा चामन मैया हनुमान बाबा पार्वती बुआ आज मैं सबको नमन करके कह रहा हूं के मियो कहूं लास्ट के दिना तेनो ता जाए तो ऐसो की सालग में कहूं एक झाड़ी तो मेरी बन जाएगी।
इसलिए तेरा भजन कर रहा हूँ भोले बाबा। तेरो भजन करूं भगवान, ये बोली बाबा। तेरो भजन करूं भगवान, करो कऊ भोजन को इंतजाम। ये बोली बाबा। तेरो भजन करूं भगवान, करो कऊ भोजन को इंतजाम। हे भोले बाबा, मैं तेरो रोज भजन करता हूँ, लेकिन तेने आज तक जब पुजारी की ओर बिल्कुल ना देखो। अरे भोले बाबा चामड़ मैया, भोले बाबा चामड़ मैया, दरवाजे तू कहूं करहिया, दरवाजे तू कहूं करहिया। हे चामड़ मैया, कह तो काऊ के न्या को लड़का छोरा जन्म जाए, सोबा को डस्टोन होए, और कह काऊ के कछु करवा, सो कहूं हमारो जुगाड़ लगे। तोए पुनि पुनि करूं प्रणाम, करो कऊ भोजन को इंतजाम। तेरो भजन करूं भगवान, करो कऊ भोजन को इंतजाम। जय हो भोले बाबा, हे भगवान भोले। वैसे तो एक बात और हमारी समझ में आ रही है, कि तुम तीनों लोकन में सब देवी देवतन से नंगा है, तुम्हारे पास कछूना तो तुम हमें ही का घंटियारी खवाएंगे। ताते चलो कऊ और देवता की शरण में ही जानो अच्छो है। अरे हनुमान बाबा जय राम जी की है। हनुमान बाबा, अरे तुम ही हमारो कहूँ भरोसा करो, 15 दिन बीत गए, आज लास्ट को दिन आए प्रभु, देख लो तुम ही हमारी तरफ। अरे गए कनागत आए नव दुर्गा, गए कनागत आए नव दुर्गा, कौन आयो ढी को मुर्गा, कौन आयो ढी को मुर्गा। हे हनुमान बाबा, इतने दिन बीत गए, लेकिन जब पुजारी को कोई नौता करवे ना आयो। मैं भजन करूं सुबह शाम, करो कऊ भोजन को इंतजाम। तेरो भजन करूं भगवान, करो कऊ भोजन को इंतजाम। तेरो भजन करूं भगवान, करो कऊ भोजन को इंतजाम। जय हनुमान बाबा, जय हनुमान बाबा, जय देवी मैया, जय चामन मैया, जय करौली वारी मैया की जय। अरे पुजारी भी पाला गए। अरे पाला गए भैया पाला गए, तुम जाला के न माला के, पर तुम्हारी बहू बहुत चाला के। पुजारी का कह रहे हो? अरे खुशी रहो जिजमान, तुम्हारी दो फूटे पटक लगे, सौ जोर दांत बत्ती सौ टूटे। ए पुजारी जी, मैं तो तुम्हारा नौता करवे, तुम्हें ये आशीर्वाद दे रहे हो। अरे भैया नौता करवे के लिए आए हैं, तो उलाए ते नौता करो, ये तो अच्छी बात है। अरे तुम तो बहुत अच्छे जिजमान हैं, और तुम लोगन के ही भरोसे हमारे सब काम हैं। तो कह रहे पुजारी जी? हाँ भैया। आज त्याई बहू जो है हमारी कक्का को श्राद्ध डाल रही है। ओ हमारी बहू ते कक्का को श्राद्ध काय के लिए डालेगी? भैया तू उल्लू का हो रही है बनाइये सवेरी सवेरे। देख लो हम तुम्हारे बच्चे ना हो, तो वो बहू नहीं भाई तुम्हारी। अच्छा, तो तू अपनी बहू की बात कर रहा है? हाँ जी, तो बात मेरी समझ में घुस रही है। पर भैया एक बात हम कह रहे हैं तुमसे। हाँ कौन सी बात कह रहे हो? नौता करवे आए हैं। हाँ वो हमें मंजूर है। अच्छा ठीक है भैया,
अब तुम जाओ, तुम आओ नोता पक्को समझ लो हमने। ऐसो करियो पुजारी जी। ऐसो कैसो करें भैया बता। नेक जल्दी आ जाइए, मोड़ी मोड़ देखो घर भैया। तो से ज्यादा मोई चिंता है, 15 दिन को जाई।